हेलो गुड मॉर्निंग बच्चे, मैं हूं आपका दोस्त SSM फाउंडर एंड CMD एंड नव्स एकेडमी एंड HOD ऑफ मैथमेटिक्स एंड स्मार्ट स्किल एजुकेशन कर सके से। बच्चों आज मैं एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के ऊपर, धमाकेदार टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। एक पावरफुल कंटेंट, एक ऐसा केस स्टडी जो CBSE में उन्होंने किस रूल को फॉलो किया है, और CBSE टॉपर के ऊपर मैंने केस स्टडी बनाया है आपके लिए। मैं बात करने वाला हूँ CBSE के टॉपर मेघना श्रीवास्तव के ऊपर। ये मेघना श्रीवास्तव आखिर ये टॉप कैसे करे, इन्होंने किस तरीके से पढ़ाई किया। जो भी बच्चे 2019 में या वो टॉप करना चाहते हैं या जब भी या उनसे कुछ चीज़ों को लेकर सीखना चाहते हैं, तो आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, आज मैं उसी के ऊपर केस स्टडी मैं बात करने वाला हूँ। केस स्टडी मैं लेकर के आया हूँ मेनली। सबसे पहली बात आप ये बता दूँ कि मेघना श्रीवास्तव के जो पेरेंट्स थे, कभी भी मेघना श्रीवास्तव के ऊपर प्रेशर नहीं डालते थे कि आपको इतने मार्क्स लेकर के आना है। क्या नहीं करते थे, डोंट बी प्रेशराइज्ड, प्रेशर नहीं करते थे। सेकंड थिंग कि मेघना श्रीवास्तव वो जब भी पढ़ती थी तो वो अपने पढ़ाई के प्रति वो उसके कंसिस्टेंटली हार्ड वर्किंग करती थी। वो मतलब हार्ड वर्किंग करती थी लेकिन कंसिस्टेंटली करती थी। और आपको एक बात और जानने के लिए एक उत्सुक हुआ करते होंगे, आप ये चाहते होंगे कि सर मेघना श्रीवास्तव कितने घंटे पढ़ती थी। मेघना श्रीवास्तव का ये प्रश्न, उनका कहना है कि मैं कोई घंटे नहीं पढ़ती थी, ना मैं कोई दिन भर में बैठ के मैं बुक पढ़ती थी। मैं जितनी भी देर पढ़ती थी मैं बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे होकर के मैं सारी तरीकों को मैनेज करके पढ़ती थी। इवन मेघना श्रीवास्तव का कहना है मैं टीवी भी देखती थी, वो टीवी भी देखती थी, ऐसा नहीं है, वो टीवी देखने के साथ साथ अपनी लाइफ को बैलेंस भी करती थी। इतना कुछ करने के बावजूद भी वो अपने आप को, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूँ कि मेघना श्रीवास्तव कहते कि सर हम लोग सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे, सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे, साथ में कहते नहीं कि सेल्फ मोटिवेटेड ज़्यादा होना। तो मैं अपनी बात बताना चाहूँगा कि अगर बच्चे कौन सा ऐसा कंटेंट रखे, बच्चा अपने आप